नमस्कार मनंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए आपको बता देते हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम यहां पर लिया जा रहा था, लोग यहां से निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बता दें जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर सवाले उठाई जा रही है, यहां पर हम मौजूद हैं, बात करेंगे कि सर अब एग्जाम देकर आ रहे हैं। हाँ, मैं एग्जामिनेशन दे के आ रहा हूँ और क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा से बात करें तो हाउ वाज द पेपर, इजी, मॉडरेट और हार्ड? दोनों तरह से मिले जुले थे। कुछ क्वेश्चन तो उलझाने वाले थे, जो कि लिंगानुपात और जो मतलब इतिहास और इसे जो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन मिला जुला कर पिछले बार से इस बार का क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल साइंस हार्ड, पॉलिटिकल साइंस में कुछ हार्ड क्वेश्चन था। हाँ, साथ कुछ हार्ड था पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम मुंगेर से। मुंगेर से आप? मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, नौगछिया से हूँ। यस, नौगछिया से हूँ। एज क्या होगी आप? मेरी एज अभी 48 के लमसम में है। हाँ, यस, 48 साल। अच्छा, बात करेंगे कि सिलेबस के वाइज क्या था क्वेश्चन? मतलब सिलेबस वाइज तो ठीक ठाक था, थोड़ा सा रिवीजन की अगर रिवीजन हो जा करता तो हमको लगता है कि 100% स्योरिटी थी होने की, लेकिन सस्पिशियस क्वेश्चन आ गया कि बहुत दिन पहले हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा है, एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर को छोड़ चुके हैं और अब तब तो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है जो जिस सब्जेक्ट से है, थोड़ा सा सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछना चाहिए बीपीएससी को। मेरी जो टफ था थोड़ा बहुत टफ था, लेकिन जाने वाले अटेम्प्ट कितना था? अटेम्प्ट कौन वाला? अटेम्प्ट कितनी बार किए? अटेम्प्ट मैंने सेकंड बार है। सेकंड अटेम्प्ट है, क्या लगता है हो जाएगा? लगता तो है कि हो जाना चाहिए। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड लगता है। हाँ, इट मे बी पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। हाँ, यस। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है, क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। क्वेश्चन जो है कुछ पॉलिटिकल साइंस में हमको हार्ड कुछ बुझाया और अदर में तो ठीक ठाक ही लगा, हिस्ट्री वगैरह और सब भी ठीक ठीक था, सही था। और देख सकते हैं यहाँ पर और लोग हैं, हम बातें करेंगे सबसे पहले इन लोगों से। अच्छा, अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, क्वेश्चन कैसा था, इजी, मॉडरेट, हार्ड? क्वेश्चन तो हार्ड था। हार्ड था। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा सेकेंड था। सेकेंड अटेम्प्ट था, कैसा गया? अच्छा गया। लग रहा है सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले बार दो नंबर से रुका था। क्या? मैं दो नंबर से फर्स्ट चांस, पहली बार दो नंबर से कम हुए। हाँ, इसीलिए निश्चित है। सबसे हार्ड क्या लगा इस बार? करंट अफेयर्स जो था ना, वो 23 का उठा के दे दिया, 2000 का उठा के दिया। करंट अफेयर 2000 का उठा के? हाँ, एक क्वेश्चन था 2000। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उससे बहुत हद तक जो है कि मैंने इस बार क्वेश्चन को जो है कि थोड़ा सा ये किया गया है कि ताकि परीक्षार्थी जो है कि मैंने अचीव कर सके क्वेश्चन को। ये आदत क्या लगती है कि जो करंट अफेयर है वहाँ से 2000 का क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए? नहीं, मैंने हमेशा जो है राष्ट्रीय आंदोलन से तो मैंने क्वेश्चन जो है जीएस में रहता ही है, इस बार भी मैंने इसमें जो है कि शामिल किया गया है और हर परीक्षा में जो है कि रहता है। अच्छा सर, क्वेश्चन की बात करें तो ईजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? नहीं, मॉडरेट था। मतलब ना इजी ना हार्ड। सिलेबस वाइज क्या था? सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड से था और जनरल स्टडीज से था जी। अटेम्प्ट कौन सा था? सेकंड अटेम्प्ट। क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है कि रिजल्ट आएगा सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर से चुके थे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों का 2-4 नंबर से मिस हुआ था। दो चार नंबर से। इसके पहले भी लोगों से हमने बातचीत की, उनके भी एक दो चार नंबर से ही हुआ था। बुरा तो लग रहा होगा इस बार कंफर्म जो है कि लगता है कि आना चाहिए रिजल्ट। आना चाहिए। अच्छा, क्या कहिएगा, क्वेश्चन कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? क्वेश्चन तो हार्ड ही था। हार्ड था। हाँ, सबसे हार्ड क्या लगा? सबसे हार्ड तो मैथ लगा, बनाते बनाते बनता ही नहीं था, पता लास्ट में नन ऑफ दिस दे देते थे। नहीं बनता था तो नन ऑफ दिस दे देते थे, क्या करते, बहुत समय टेकिंग मैथ था और कुछ इजी भी था। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ, सेकंड। क्या लग रहा है कि पिछली बार कितने नंबर से चुके थे आप? पिछले नंबर जो है 5-7 नंबर से पीछे थे, इस बार उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है। हाँ, चलिए। अच्छा, बीपीएससी के हेडमास्टर का एग्जामिनेशन था ना? हाँ, हेडमास्टर के एग्जामिनेशन। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर लोग निकलते आ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि बीपीएससी के हेडमास्टर का एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जा रहा था। लोग की अगर बात करें तो जिस तरीके से लोगों का कहना है, उम्र की बात करें तो 48, 50, 46 ये उम्र है लोगों की और वो एग्जाम देकर निकल रहे हैं। हेडमास्टर के लिए एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको बता देते हैं सबसे पहले कि अगर बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो ज़्यादातर लोगों का सेकंड अटेम्प्ट ही था और फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो लोगों के 2-4 नंबर से छूट गए थे, लेकिन इस बार उनका साफ तौर पर कहना है कि वो क्वेश्चन, कुछ लोगों ने कहा कि मॉडरेट था, कुछ लोगों ने कहा कि हार्ड था, कुछ लोगों ने कहा कि ईजी था। वहीं पर अगर बात करें तो बहुत ही तरह तरह के आंसर भी हमें सुनने को, अभी भी भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और बात करेंगे सबसे पहले कि
अरे कैसा था क्वेश्चन? कैसा क्वेश्चन? अच्छा चलिए क्वेश्चन इजी था, देख सकते हैं और लोग निकल कर आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था सर। अच्छा था, इजी था? इजी नहीं था, जिस लेवल का है उसी हिसाब से। बैग का व्यवस्था होना चाहिए भीतर में, यहीं पर रखा जा रहा है, यहीं पर रखा जा रहा है, ये अव्यवस्था है, लोग मर जाएगा, बैग अंदर में रहना चाहिए, व्यवस्था ना, ये करवाइए सरकार से। एग्जाम देने लाता चोरी करने थोड़ा आता है कोई, ये करवाइए, बाकी एग्जाम सब ठीक है। देख सकते हैं लोग निकल रहे हैं, कुछ कंप्लेंट्स लेकर भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। अगर बात करें बीपीएससी के हेडमास्टर का एग्जाम यहाँ पर लिया जा रहा था, हम यहाँ पर पूछने आए थे कि सवाल इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल सुनने को मिला कि यहाँ पर बैग रखने तक का जगह नहीं है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी सर तमाम खबरों को देखते हैं। धन्यवाद।